गिनती की किताब हम लोग निकालेंगे, उसका 11 अध्याय उसका 25 पद हम लोग निकालेंगे। कोई एक जन पढ़ेगा। तब यहोवा बादल में होकर उतरा और उसने मूसा से बातें की, और जो आत्मा उसमें था उसमें से लेकर उन 70 पुरनियों में संवाद किया। बस और जब पूरा 25 तक पढ़ दिए। और जब वह आत्मा उनमें आया तब वे नबूवत करने लगे, परंतु फिर और कभी ना थे। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। परमेश्वर कहां पर आया? बादलों में होकर आया। अगर हम आप जब इसको आगे पढ़ेंगे पीछे पढ़ेंगे तब हमें पता चलेगा कि बादल पे परमेश्वर आया क्यों। हालेलुया। मूसा के पास एक बहुत बड़ी भीड़ थी। क्या थी? बहुत बड़ी भीड़ थी। कितनी भीड़ रही होगी अंदाजा? 15 से 20 लाख। मैंने एक हमारे पास एक बाइबल है उसके अंदर 10 लाख थे, 15-20 लाख, मतलब आज तक सीमा नहीं लगा पाए कितने लोग थे। कई खुदा के दासों से कई बातों को सुना कि बहुत लंबी भीड़ थी उसके पास। लाख भी बहुत है, 10 लाख भी बहुत है, और एक व्यक्ति के ऊपर नियुक्त है वो भीड़ उसको चलाने के लिए। अब हम आप देखते हैं कि जब वो मिस्र में थे, जब से मूसा उनकी कुड़कुड़ाना उनका बुड़बुड़ाना उनका ताना सहता रहा, सुनता रहा। जब जंगल में लेके जाता है उनको, फिर भी कहीं खाने के लिए, कहीं पीने के लिए, कहीं किसी चीज के लिए, कहीं ना कहीं पूरी भीड़ क्या करती थी? मूसा से हमेशा कुड़कुड़ाती रहती थी। हालेलुया, आप ध्यान से सुनना, परमेश्वर आपको आशीषित करेगा। आमीन। क्या करती थी पूरी भीड़? क्या करती थी? मूसा से कुड़कुड़ाती थी। एक व्यक्ति उसको कोई हौसला देने वाला नहीं, कोई हिम्मत देने वाला नहीं। आज भी मैं आपको बताऊं, हमारे बीच में हम लोग भी सेवा करते हैं, कई बार हमारी कलेशियां हमारे ऊपर हावी हो जाती है। कई लोग ऐसे होते हावी हो जाते हैं, कई प्रकार से टॉर्चर कर देते हैं, हमारा भी मनोबल कई बार टूटने लगता है। हमें कौन उसे, हमारा परमेश्वर है। हम लोग बोलेंगे परमेश्वर तो है, पर हमारा परमेश्वर है, हमें तो वो संभालता है, पर और भी हम सोचते हैं कि कोई ऐसा सहायक, ऐसा परमेश्वर जन मिले जो हमें क्या करे, सहायता करे। हालेलुया। मूसा जब ये पूरी तरह से थक चुका, मूसा ये चीज एहसास कर लिया, ये चीज महसूस कर लिया, मैं योग्य नहीं हूं इस भीड़ को संभालने के लिए। मैं क्या नहीं हूं? मैं योग्य नहीं हूं कि मैं इस भीड़ को संभाल सकूं, मैं इसको आगे ले सकूं, इसकी आवश्यकताओं को पूरा कर सकूं। इसलिए मूसा गिड़गिड़ाकर परमेश्वर से दुहाई देता है, प्रार्थना करता है, प्रभु इसको चलाना, इनको लेके चलना हमारे बस में नहीं है, हम परेशान हो चुके हैं, ये हमें हमेशा कुड़कुड़ाते रहते हैं हमारे ऊपर। परमेश्वर बादलों में होकर क्या करता है? बादलों में होकर प्रकट होता है। और मूसा से परमेश्वर क्या बातें करता है, फिर से हम पढ़ेंगे इस किस वचन को। तब यहोवा बादल में होकर उतरा। तब यहोवा परमेश्वर बादलों में होकर आया और उसने मूसा से बातें की। उसने मूसा से बातचीत किया और जो आत्मा उसमें था। हाँ, जो आत्मा किसके अंदर था? जोर से बोले, किसके अंदर था? जो आत्मा मूसा के अंदर था, वो आत्मा उसमें से कुछ लेकर क्या किया? उसमें से लेकर उन 70 पुरनियों में संवाद किया। किसमें? 70 पुरनियों। पहले परमेश्वर ने उसको बोला कि कुछ लोगों को क्या कर, चुन ले। किसको? मूसा को बोला कि कुछ लोगों को क्या कर, तो चुन। 70 पुरनियों को उन्होंने क्या किया, मूसा ने चुना, कौन विश्वास योग्य है, कौन आज्ञा अधीनता में है। 70 लोगों को क्या किया, मूसा ने चुना, और चुनकर परमेश्वर जब परमेश्वर आया तो 70 लोगों के अंदर, मूसा के अंदर से आत्मा को लेकर क्या किया, उनके अंदर समवा दिया। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की जय। जैसे ही परमेश्वर का आत्मा आता है, वो सब क्या कर लेते हैं, सभी कोई नबूवत करने लगते हैं, भविष्यवाणी करने लगते हैं, सब आत्मा से भर जाते हैं। और उस समय मूसा को लगता है कि अब हमारी जो सेवा है क्या हो गया, अब इसको सब, ये जो आत्मा से के साथ चलने वाला है, ये सब चलने वाले बन गए, हमारे हमारे बोझ को लेकर चलने वाले बने, अब हमारा काम सफल हो जाएगा, आसान हो जाएगा,
इस प्रकार से मूसा इसलिए वो दुआ किया, इसलिए परमेश्वर से दुहाई किया और मूसा एक आशा रखा कि परमेश्वर क्या करेगा, हमारे लिए क्या करेगा, इस भीड़ को चलाने के लिए और भी लोगों को क्या करेगा, नियुक्त किया। और परमेश्वर ने वैसे किया, उनको क्या किया, नियुक्त कर दिया। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। पर परमेश्वर का हम देख पाते हैं कि परमेश्वर ने वहां पर जब दिखाता है कि जो मूसा तो मूसा के अंदर जो था वो सीमित था और जो उसके अंदर से आत्मा लिया जो उनके अंदर उनकी समवाया और वो लोग उसी समय तक क्या हुए, नबुवत किए, भविष्यवाणी किए, उसके बाद उन्होंने जीवन में कभी भविष्यवाणी नहीं की, वो गिर गए, वह सफल हो गए, वो फिर बल नहीं पाए, कुछ सामर्थ्य नहीं पाए। इसका उदाहरण है, इसका परमेश्वर ने जो हमें बताया, जो मैं सिखाया कि परमेश्वर ने खुदावन यीशु मसीह जब इस पृथ्वी पर आए तो प्रभु यीशु मसीह भी जब इस सेवकाई को लेकर चल रहे थे पूरे जगत के लिए, यीशु मसीह क्या किए, पूरे जगत के लिए, पूरे संसार के लिए इस पृथ्वी पर आए, जब वो अपनी सेवा को आरंभ करते हैं, अपने काम को आरंभ करते हैं, अपनी सेवकाई को आरंभ करते हैं, परमेश्वर का वो विजन जो वो लेकर आए, उन्होंने सब अपना काम पूरा कर दिया, परंतु प्रभु यीशु मसीह भी क्या कर रहे हैं, खुदा से दुआ कर रहे हैं। लूका रचित सुसमाचार 10 अध्याय में कहते हैं कि पिता से क्या करो, विनती करो, क्या है, मजदूर थोड़े हैं। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। हम आप देख पाते हैं कि वहां पर जो मूसा उसी सेवकाई को लेकर क्या कर रहा था, दुआ कर रहा था, पर हमारा प्रभु यीशु मसीह भी क्या कर रहा है, दुआ कर रहा है। पर यीशु मसीह में मूसा में अंतर क्या है, फर्क क्या है? जब मैं प्रार्थना कर रहा था, प्रभु ने एक चीज दर्शाया, एक चीज बताया कि मूसा में और मतलब कि प्रभु यीशु मसीह फर्क है। जो खुदा मतलब कि बाइबल बताती है कि यीशु मसीह स्वयं परमेश्वर है, आमीन। जो मूसा के अंदर जो परमेश्वर का सामर्थ्य था, जो कार्य था, वो सीमित था, पर प्रभु यीशु मसीह के अंदर जो था वो असीमित था। आमीन, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने कहा जो जो जल मुझमें से पिएगा वो क्या करेगा, जीवन भर क्या करेगा, आपके अंदर उमड़ता रहेगा। वो 70 लोगों के अंदर आत्मा तो आया पर क्या हुआ, वो लोग वहीं पर सीमित रहे, उसके आगे नहीं चल पाए। परंतु प्रभु यीशु मसीह ने जो अपना सेवा, अपना काम जब आरंभ किया, जब सेवकाई किया, उसने पूरा जो काम पूरा किया और करने के बाद प्रभु ने खुद दुआ किया और अपने चेलों से भी क्या बोला, तुम दुआ करो। हालेलुया। अब यहां पर मजे की बात क्या है, जब मैं इस चीज को जब मनन कर रहा था तो हम एक चीज देख रहे थे, जो मूसा के अंदर आत्मा था, जो मूसा के अंदर अभिषेक था, जो मूसा के अंदर गुण था, वही 70 चेलों के अंदर आया। पर बाइबल बताती है कि जो यीशु मसीह के अंदर गुण है, जो यीशु मसीह के अंदर है, जो यीशु मसीह का अभिषेक है, आज के समय वो हमारे और आपके ऊपर है, वो पावर, वो सामर्थ, वो अभिषेक हमारे आपके अंदर है। हम लोग असीमित हैं, हमारी कोई सीमा नहीं है। हालेलुया, परमेश्वर हमें ये चीज को बताता है। जब हम वचन को पढ़ते हैं, आगे हम एक वचन को और पढ़ना चाहेंगे, दूसरा तीतमुस 1 अध्याय उसका 6 पद। इस कारण मैं तुझे दिलाता हूँ, हाँ, कि तू परमेश्वर के उस वरदान को जो मेरे हाथ रखने के द्वारा तुझे मिला। क्या चीज? मैं तुझे सुधीर मिलकर दिलाता हूँ कि जो मेरे हाथ रखने के द्वारा तुझे क्या मिला, वरदान मिला। क्या मिला? वरदान मिला, अभिषेक मिला, और मेरे हाथ रखने के द्वारा, हाँ, तुझे मिला, उसे प्रज्वलित कर। उसे क्या कर? इसका अर्थ क्या है? चमका दे। ये जो सीमित होने वाला नहीं है, जैसा कि आज आज जो हमारा आज का जो हमारा वचन है मसीह में प्रदान करना, मसीह में अपने आप को क्या करना, प्रदान करना, और वो क्या नाम है, जब जब हम अपने आप को जब मसीह में देते हैं तो परमेश्वर का जो अभिषेक है, जो जो सामर्थ्य है, वो जो मतलब जैसे कि प्रभु ने कहा कि जो मुझमें से पिएगा उसके अंदर क्या करेगा, जीवन भर क्या करेगा, उमड़ता रहेगा। इसका अर्थ है कि जब अपने आप को जब आप देते हैं परमेश्वर के लिए, तो जो परमेश्वर का अभिषेक आपके अंदर है, जो परमेश्वर की सामर्थ्य आपके अंदर है, वो आपके अंदर सीमित नहीं रहेगा, वो आपके अंदर से क्या करेगा, बहना शुरू करेगा, आपके अंदर से उमड़ना शुरू करेगा। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। मैं कुछ कुछ गवाहियों के साथ मैं आपको बताना चाहता हूं। जब क्या नाम है, मैं प्रभु यीशु मसीह को जाना,
प्रभु यीशु मसीह को जानने के बाद, जैसा कि यहाँ पर हमने मूसा के अंदर देखा, मूसा के अंदर क्या देखा कि मूसा के अंदर से आत्मा लिया और परमेश्वर ने क्या किया, 70 के अंदर समाया और वो वहीं पर, वो जो आत्मा थी वो वहीं तक सीमित थी, वहीं पर खत्म हो गई। पर प्रभु यीशु मसीह के बारे में जब मैं सोचने लगा कि परमेश्वर तेरे अंदर ऐसा क्या था जो कि आज हर एक व्यक्ति जो आपसे जुड़ता है वो क्वालिटी, वो आशीष, वो अभिषेक, वो दान, वो वरदान हर एक व्यक्ति के अंदर दिखा देता है, पर वो व्यक्ति अपने अंदर झांक सके, पहचान सके, समझ सके। जब मैं प्रभु को जाना तो पूरी रीत से प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया और यीशु मसीह को मतलब स्वीकार किया और सारा को, जैसा हम जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह को, जैसा कि हम जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के सिवा कोई और परमेश्वर नहीं है, पूरे दिल से मैंने यीशु को क्या कर लिया, ग्रहण कर लिया। एक मैं ड्राइवर व्यक्ति ड्राइवर था और प्रभु को मैंने जो स्वीकार किया, जो ग्रहण किया, मैं उस योग नहीं था कि मैं परमेश्वर का वचन का प्रचार करूं या परमेश्वर के बारे में मैं कुछ काम कर सकूं, क्योंकि एक ड्राइवर का जीवन कुछ ऐसा आप मतलब समझ सकते हो कि इस प्रकार से था, मतलब होता है दारू पीना, लड़ाई करना, गाली देना, इधर उधर घूमना, है ना। पर जब प्रभु ने जब मुझे स्वीकार किया तो उस सारी गंदगियों को, सारे जो गुनाहों को, पापों को क्या कर दिया, प्रभु यीशु मसीह अपने लहू के द्वारा क्या किया, साफ कर दिया। हमें नहीं पता, हमें अभी उसी रूल में मैं अपने जीवन को जी रहा हूं, उसी मस्ती में जी रहा हूं। बदलाव आ गया, आशीषें आ गई, बरकतें आ गई। हमें अपने ऊपर विश्वास नहीं है, अपने ऊपर भरोसा नहीं है, अपने ऊपर यकीन नहीं है कि खुदा का अभिषेक, खुदा का आशीष, खुदा का वो सारी चीजें जो मेरे अंदर है, हम अपने आप को समझ नहीं पा रहे, पहचान नहीं पा रहे। हालेलुया। मैं उद्योग नगर से लेकर मुंडका में गाड़ी लेके जाता था और वहां पर जब गाड़ी लेके जाता था तो वहां पर एक व्यक्ति था जसवंत नाम का, और वो व्यक्ति एक बाल्टी जल छोड़ता था रोज, दो बाल्टी, तीन बाल्टी ऐसे करके, और हर एक मंगलवार, बुधवार, शुक्रवार, मतलब हफ्ते में हर एक दिन वो बर्फी, बढ़िया बढ़िया महंगी महंगी बर्फी, और खाने के लिए कुछ नहीं था पर बर्फी पहुंचाता था। बड़ा भक्ति व्यक्ति था। हमारे अंदर एक नया जुनून था क्योंकि हमने गवाहियों के द्वारा, अद्भुत कामों के द्वारा यीशु को जाना और हम जानते थे कि यीशु मसीह के सिवा कोई परमेश्वर नहीं है। हम हमेशा उसको बोलते थे, जब इतना करने के बाद जब देखो तब बोलता हमारा कपारा, हमारा सर में दर्द हो रहा है, हमारा कपार पिरा रहा है, हमारा कमर पिरा रहा है। मैं एक ही बात बोलता था, यीशु मसीह के पास, यीशु मसीह को जान जाओगे ठीक हो जाएगा। रोज ये बात मैं उसको बोलता था क्योंकि हमें भरोसा था हमारा प्रभु यीशु मसीह अद्भुत काम करने वाला है, अद्भुत चिन्ह चमत्कार करने वाला है। क्योंकि मेरे जीवन में एक ऐसी गवाही आई थी जो आज मुझे पास्टर के रूप में खड़ा किया। एक बहन थी, उस बहन की गवाही से मैं उस व्यक्ति को रोज टॉर्चर करता था। एक बहन थी 18 साल की, उसकी शादी तय थी, तय हो गई थी उसकी शादी, और जैसे कि एक महीना रह गया शादी के लिए, वो अचानक बीमार पड़ी, हॉस्पिटल गई, लेटरिन बाथरूम, उसको होश नहीं था, अपने आप उसको हो जाता था, माँ बाप सब परेशान। अचानक एक 15 दिन बीत गया हॉस्पिटल में, जितनी दवाई हो रही उतनी वो गहराई में जा रही, बीमारी में जा रही। उसके बाद क्या होता है कि कोई बोलता है कि यीशु मसीह के पास जाओ, वो यीशु मसीह के पास लेकर आए और वही वो चंगाई पाई थी, वही मैं पहुंचा था वहां पर संगति में। और क्या हुआ कि जैसे एक दिन, दो दिन, तीन दिन लेकर आए तो हॉस्पिटल से निकाल के डायरेक्ट लेकर आए और फिर कहीं नहीं लेके दवाई करने के लिए। एक दिन लाए तो उसको थोड़ा रिलीफ मिला, दूसरे दिन, तीसरे दिन, एक हफ्ता के अंदर वो बहन बताने लगी कि मुझे लेटरिन बाथरूम महसूस करने लगी, लग रहा है। उसके बाद अगले हफ्ता में वो दीवार पकड़कर बैठना शुरू कर, क्योंकि उठ बैठ नहीं सकती थी। तीसरे हफ्ते में वो दीवार पकड़कर मतलब चलना शुरू कर दिया। चौथे हफ्ते में जब जिस शुक्र का मुझे जाना था कलीसिया में, उस दिन पता क्या किया उसने, कहा प्रभु यीशु मसीह अगर मैं चलकर जाऊंगी, कहीं गिरूंगी नहीं, तो मैं गवाही दूंगी आपकी। और उसी दिन मैं वहां कलीसिया में गया हुआ था। उस दिन वो बहन ऐसे आंसुओं से रोकर गवाही दे रही थी कि जिस दिन से मैं आई हूँ आज मुझे जैसे जैसे उसके जीवन में हुआ था वो सारी बातें बताई, मेरे रोंटे खड़े हो गए। मैंने कहा सचमुच में प्रभु ऐसा कर सकता है, डॉक्टर नहीं कर सका, इसको प्रभु ने किया, ये विश्वास मेरे अंदर बहुत दृढ़ हुआ। मैंने कहा जब ऐसे ऐसे व्यक्ति को प्रभु खड़ा कर सकता था, इसका सर का दर्द और पेट का दर्द क्या है। जसवंत भाई को रोज मैं बोलता था, अरे तुम ये सब जान जाओगे जैसे तुम्हें फ्री कर देगा, आजाद कर देगा। वो रोज चिढ़ता था, रोज चिढ़ता था। एक दिन क्या हुआ, मैं जैसे ही गाड़ी खड़ी किया, बोला, मैंने कहा डाला खोल दे, बोले यार सर में दर्द हो रहा है। मैंने कहा तू यीशु को जानता ही नहीं है इसीलिए तेरा दर्द हो रहा है, आ जा तू यीशु को, तू मुझे ठीक करके दिखा, तेरा यीशु को मैं देख लेता हूँ। मैंने कहा चल,
चल मैं ठीक करता हूँ तेरे को। अब मुझे पता है कि मेरा हाथ पकड़ के ले गए कमरे के अंदर, मैंने कमरे का सिकनी बंद कर दिया, सिकनी बंद कर दिया। मैंने कहा यीशु मसीह के नाम से मैं तेरे लिए प्रार्थना करता हूँ ताकि वो फड़ा बोला भाई जिंद हूँ। और मैंने कहा ये क्या हो गया यार, ये तो जिंद में सुनो जिंद बड़ा पटक के मारते हैं। मैं डर गया, मैंने कहा यार मैं भाग भी नहीं सकता, दरवाजा बंद कर दिया हूँ। फिर मैंने पास्टर को सुना था कि मैं यीशु मसीह के नाम से तुझे बांधता हूँ, जो कुछ बांधेगा वो स्वर्ग में बन जाएगा। मैंने कहा एक बार ट्राई करता हूँ, मैंने कहा यीशु के नाम से तुझे बांधता हूँ, शुद्ध हो गया। जब वो ढीला हुआ तो मैं टाइट हो गया, बट निकल यीशु के नाम से, हाथ रखा फट से नीचे गिरी। हालेलुया, जैसे उसके अंदर फाटा वैसे उसके अंदर दुष्ट आत्मा निकल गई। वो उठने के बाद कहता मनोज भाई आज तक इतना रिलीफ इतना आराम मुझे नहीं मिला, मेरा सर का दर्द मेरे पेट का पूरा शरीर का दर्द चला गया उसके बोलो यीशु मसीह की। कई बार हमारे आपके अंदर वो पावर वो सामर्थ वो अभिषेक है, हम नहीं जानते, हम नहीं पहचानते अपने अंदर, हम उन चीजों को नहीं जानते कि मेरे अंदर वो अभिषेक वो सामर्थ है। यीशु मसीह ने ऑलरेडी हमें वो पावर वो सामर्थ दे दिया है। आमीन। यीशु मसीह ने क्या बोला लूकरची को, क्या नाम है 14 पद में और उसके 12 पद में, यूहन्ना रचित सुसमाचार 14:12 में क्या बोला, उससे बड़े बड़े काम जो मैंने किया है तुम उससे बड़े बड़े काम करोगे। और क्या बोला, मैं पिता के पास जाता हूं तुम्हारे लिए क्या भेजने के लिए, सहायक भेजने के लिए। कौन सा सहायक है, मूसा के अंदर क्या निकल के दिया गया था, पवित्र आत्मा दिया गया था। पर प्रभु यीशु मसीह क्या बोला, मैं पिता के पास जाता हूं, मूसा के अंदर तो एक सीमित था, मैं असीमित वो आत्मा भेजता हूं तुम्हारे पास, शैतान की हर एक सामर्थ्य हर एक पावर पर मैं तुम्हें अधिकार देता हूं। अब परमेश्वर कहता है कि सारी सामर्थ्य के ऊपर मैं तुम्हें क्या देता हूं, अधिकार देता हूं, वो सामर्थ्य वो पावर मैं तुम्हें देता हूं। आज जैसे पास्टर जी प्रार्थना कर रहे थे, मैं आपको बताऊं जो हम आपने जो किया है ना, निश्चय परमेश्वर हमारे आपके द्वारा खड़ा भी करेगा और गिरा भी देगा। आमीन। वो पावर वो सामर्थ्य हमारे आपके अंदर है। मैं अनजान था, सिर्फ परमेश्वर के वचन को सुनी बातों को मैंने क्या किया, वहां पर उपयोग किया था, परमेश्वर ने अपना काम किया। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, प्रभु सदा हमारे साथ चलता है। आप विश्वास करो या ना करो, मैंने अपनी गवाही अपने जीवन में मैंने महसूस किया है, प्रभु मेरे दाहिने मेरे बाएं। कई लोगों ने मुझे बोला पास्टर जी जब आपके मैं बगल में खड़ा था मुझे करंट लग रहा था। एक बार मैं अपने कलीसिया में प्रार्थना कर रहा था, मैं ऐसे एक बहुत मोटे व्यक्ति हैं जैसे भाई हैं, मैं ऐसे लोगों के लिए अभिषेक कर रहा था, लोग गिर रहे थे। एक व्यक्ति कहता है अपने आपने इनको कुछ ऐसे मतलब क्या नाम है कुछ लगा रखा है, तो वो अचानक आता मेरे पास, मेरे हाथ पे हाथ रखता है, फ्रैक से परमेश्वर उसको दीवार में जाकर मतलब खेलता गिरता धड़ाम से। कहता आपने करंट क्यों लगा रखा है, मैंने कहा ये यीशु का करंट मेरा नहीं। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। मैं उसकी सामर्थ्य के ऊपर बात कर रहा हूँ कि परमेश्वर आपके अंदर जो है जो दिया है हमें आपको क्या करना है, उसको पहचानना है, उसको अपने जीवन में उपयोग करना है, उसको चमकाना है, उसको अपने तक सीमित नहीं रखना है, अपने उस कामों को प्रकट करके और लोगों को क्या करना है, इंकरेज करना, खड़ा करना है। आमीन। मैं अपनी गाड़ी लेकर इंदर लोग गया था, इंदर लोग आप अगर आप लोग गए हो ना, बड़ा खतरनाक एरिया है, हर एक ड्राइवर डरता है जाने में। मैं दिन में गया, एक भाई स्कूटर लेकर पता क्या किया, जबरदस्ती गाड़ी घुसेड़ दिया, गाड़ी में जगह नहीं, मेरी बड़ी गाड़ी है 407 थी उस समय, बड़ी गाड़ी है, जबरदस्ती गाड़ी घुसेड़ दिया और जैसे मेरा बम्फा लगा और टिनिक गया, फड़ाक से गिर गया स्कूटर लेके अपना। अब वो भाई इंग्लिश में माँ बहन सब इकट्ठा करने लगा, गाड़ी देने लगा, फटक से मेरी बनियान पकड़ा, मेरी बटन टूट गई, गर्मी का मौसम था, गाली दे रहा जी उस पर चढ़ गया। मैंने एक बार बोला भाई तू गाली क्यों दे रहा है, तुरंत फटाक से क्या किया वो नीचे गिर गया। फिर थोड़ा देर के बाद फिर खड़ा होता है, फिर उसके बाद फिर आता है, वो फिर गाली देता है, फिर मैंने हाथ रखा, फिर वो नीचे गिर गया। सब आस पड़ोस के लोग देख रहे हैं वो कर क्या रहा है ड्राइवर, वो कैसे नीचे गिर रहा है। फिर तीसरी बार आया, फिर गाली दिया, फिर मैंने उसके ऊपर भाई गाली क्यों दे रहा, फिर नीचे गिर गया। उसके बाद वो सर खजवाते खजवाते गाली देते हुए स्कूटर लेके भाग गया।
मैं चर्च में आया प्रतिदिन उद्योग नगर के अंदर प्रतिदिन 7:30 से लेकर 9 बजे तक मेरी प्रार्थना चलती थी। उस समय हमारे सभी जितने वहां पर उद्योग नगर में आए और सभी लोग खड़े हुए और मैं प्रार्थना करने लगा। जिसके भी सामने खड़ा हाथ रखो नीचे गिर जा, जिसके भी हाथ ऊपर रखो नीचे गिर जा। मैंने कहा ये गिर क्यों रहे हैं? फिर मेरे याद आया कि वहां पर प्रभु यीशु मसीह था। वो दर्शा रहा है तो जहां जहां जाएगा तेरा परमेश्वर तेरे साथ। मैं उसकी उपस्थिति को क्या किया, महसूस किया वहां पर। मैं उन्हें समझ नहीं पाया था पर परमेश्वर मुझे याद दिलाया मैं तेरे साथ। हम कहीं भी जाते हैं, कुछ भी करते हैं, परमेश्वर हमारे साथ होता है। आमीन। क्या लिखो मल्की दोबारा से पढ़ेंगे हम लोग पास्टर जी। इस कारण मैं तुझे दिलाता हूँ, इस कारण मैं तुझे क्या करता हूँ, सुधि दिलाता हूँ कि जी तू परमेश्वर के उस वरदान को, परमेश्वर के उस वरदान को जो मेरे हाथ रखने के द्वारा, जो मेरे क्या है हाथ रखने के द्वारा तुझे मिला है, क्या किया है तुझे मिला है, प्रज्वलित कर उसे, क्या कर और चमका और लोगों तक पहुंचा। आमीन। उसे क्या कर सीमित मत कर, उसे अपने पास सीमित मत कर, उसको क्या कर और चमका और लोगों तक क्या कर उसको पहुंचा और लोगों को बता कि परमेश्वर आज जो मेरे जीवन में काम कर रहा है वो तुम्हारे जीवन में काम करेगा। जिस स्थिति में जिस हालात में हो आपका परमेश्वर आपको बताता है कि आपके पास असीमित सामर्थ है, असीमित अभिषेक है जो आपके जीवन को पूरी रीत से, वो किसी भी प्रकार से कोई भी सामर्थ्य, कोई भी रुकावट आपके सामने हो, परमेश्वर आपके द्वारा उस सामने वाले व्यक्ति को आजाद कर देगा। सामने वाला व्यक्ति जब पता है, मैं नहीं जानता था उस समय, मैं विश्वासी था, पास्टर नहीं था। पास्टर जी जब उस व्यक्ति के लिए जब मैं प्रार्थना की जिसने बोला जिंद है, पर जो मेरे अंदर था मुझे नहीं पता था, पर क्या हुआ जैसे वो मेरे सामने आया क्या हुआ उसके जीवन से दुष्ट आत्मा निकल गई। आमीन। तो आपके अंदर जो है, जो यीशु मसीह के अंदर है वो आपके अंदर है। यीशु मसीह ने अपने वचन में आपसे हमसे क्या किया है, वादा किया है। कलेशिया से प्रभु यीशु मसीह ने, ध्यान रखना सिर्फ पास्टर कोई नहीं, बाइबल का वचन कहता है पूरी कलेशिया के ऊपर खुदा ने वो प्रभावशाली अभिषेक और सामर्थ्य दिया है। आप जहां भी, पास्टर सिर्फ यहां चर्च में आपके साथ खड़ा होता है, पर आप हो सकता है किसी फैक्ट्री में खड़े होते हो सकता है किसी कोठी में खड़े होते हो सकता है किसी मोहल्ले किसी गली में खड़े होते हो, परमेश्वर को अभिषेक और सामर्थ्य आपके हैं जो आपके असीमित है वो आपके ऊपर। हर एक ऊपर से बंधन आप तोड़ सकते हैं, हर एक को आप आजाद कर सकते हैं, क्योंकि वो अभिषेक वो सामर्थ्य आपके अंदर है। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। अच्छा, कितने लोग ने ये विश्वास करते हैं कि परमेश्वर ने जब आत्मा को फूंका था, मतलब कि प्रभु यीशु मसीह के अंदर, वो क्या था जब प्रभु ने क्या कहा कि अपनी आत्मा क्या किया उसने फूंका, किसके अंदर फूंका था? आदम के अंदर। और यीशु मसीह ने क्या किया? अपने चेलों के अंदर फूंका। वो आपके अंदर वो पावर है, क्या आप विश्वास करते हो कि आपके अंदर वो सामर्थ्य है? आप जो आजाद करते हो सामने वाले के जीवन को बदल देता है। आप कुछ छोड़ते हो, लोग अगर रिसीव करने वाले, उनका स्थिति उनकी हालात चेंज हो जाएंगे, सब कुछ चेंज और बदल जाएगा। आप एक साधारण व्यक्ति नहीं है, आप उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर का संतान है जो अंधों को दृष्टि दिया, जो लंगड़े को चलाया, जो बहरे को सुनने के कान दिए। यीशु मसीह ने स्वयं इस बात को मतलब पूरी रीत से आपके ऊपर थोप दिया और उसको क्या बोलते हैं, मतलब साफ कर दिया कि आप जो 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 मैंने किया है तो मुझसे बड़े बड़े क्या करोगे, काम करोगे। हमें हम क्या इस बात को विश्वास करते हैं क्या? Yes. हम विश्वास करते हैं क्या? Yes. मैं चाहूंगा भाई इस साइड आओ, आप किधर आओ। प्रभु यीशु मसीह ने अपनी आत्मा को क्या किया उनके ऊपर फूंकता है, किस लिए? प्रगट होता है, काम दिखाई देता है, परमेश्वर यहां पर है। इनके पीछे खड़े जो भैया, परमेश्वर क्या करता है अपने परमेश्वर दिखता है पास्टर जी, परमेश्वर दिखता है, उसका क्या मतलब क्या दिखाई देता है, वो यहां पर है। कैसे आपको पता चलता है?
यीशु मसीह ने क्या किया, अपनी आत्मा उनके ऊपर फूंका। मैं बताऊं, मैं परमेश्वर की आत्मा से भरा हूं कि आप विश्वास करते हो, आपके अंदर वो जीवन है, वो आशीष है जो लोगों के जीवन को बिल्कुल चेंज कर सकते हो, सब कुछ हालात चेंज कर सकते हो, क्योंकि वो अभिषेक आपके अंदर है जो मूसा के अंदर था, जो उसके अंदर दिया गया, उससे बढ़कर आपके अंदर है, वो अद्भुत करने वाला आपके अंदर है। मैं इस भाई के अंदर में परमेश्वर की आत्मा को फूंकता यीशु के नाम में। ये उसकी सामर्थ प्रकट करता है कि आप खुदा को लेकर चलने वाले हैं। आमीन। बैठ सकते हैं आप। मैं ये चीज को आपको दर्शाना चाहता हूं कि ये सिर्फ मेरे अंदर नहीं, यहां पर जितने भी हम भाई बहन हैं, हर एक जन इस बात को विश्वास करें कि खुदा को हम लेकर चलने वाले हैं। हम उसकी वाहन है, हम उसका मंदिर है। खुदा ने खुद इस बात को बोला, हम क्या है, उसके पवित्र मंदिर है। हमें कई बार कुछ ऐसा बताया जाता, हम कूड़ा है, हम घास है ना। कई बार हमको लगता है हम बहुत उपवास करेंगे तब हम सामर्थी बनेंगे। खुदा ने ऑलरेडी अपना लहू बना के, लहू बहा के हमें साफ करके सामर्थी बना दिया है, अभिषेकित कर दिया है। प्रभु यीशु मसीह ने ये पता है, हम प्रभु यीशु मसीह आज हमारे ऊपर कितना भरोसा रखता है। मूसा ने क्या किया, 70 चेले को किस लिए खड़ा करना चाहा, भरोसा किया होगा मूसा ने कि जो काम मैं कर रहा हूं ये काम क्या करेंगे, 70 चेले क्या करेंगे, संभालेंगे, पर वो नहीं संभाल पाए। खुदा ने आज हम आपको दिया है, जब हम परमेश्वर की आत्मा को अपने जीवन में क्या करेंगे, उसको अनुमति देंगे काम करने के लिए, परमेश्वर की आत्मा भरपूरी के साथ आपके अंदर काम करेगा। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। मैं और भी आपको कुछ वचन बताना चाहता हूँ, उस वचन के द्वारा परमेश्वर आपको, आपके द्वारा आपको विश्वासित करे, मतलब विश्वास बढ़ाए। एक वचन को पढ़िए पास्टर जी, इफिसियों की किताब 1:20-22 तक। जो उसने मसीह में किया, उनको मरे हुए से जिलाकर स्वर्गीय स्थानों में अपनी दाहिनी ओर और सब प्रकार की प्रधानता। एक चीज ध्यान रखो, इसको बहुत गहराई के साथ आप इसको अंडरलाइन कर सकते हैं अपने बाइबल में। अभी यहाँ पर किसके बारे में बताया जा रहा है, उस समय प्रभु यीशु मसीह नहीं थे, उस समय मूसा के द्वारा मिस्र को क्या किया जा रहा था, इसराइलियों क्या किया जा रहा था, आजाद किया जा रहा था। इस समय प्रभु यीशु मसीह के द्वारा क्या किया जा रहा है, आजाद किया जा रहा है, छुटकारा दिया जा रहा है। हम आप किसके नाम से करते हैं आजादी, यीशु के नाम से। आपके पड़ोस में हो सकता है बीमार हो सकते हैं, आपके रिश्तेदारी में हो सकता है बीमार हो सकते हैं, आपके गली मोहल्ले में हो सकता है लोग बीमार हो सकते हैं, या बनवाई में हो सकते हैं, किसी भी हालात में वो फंसे हो सकते हैं, पर प्रभु यीशु मसीह ने यहाँ पर आप ध्यान से सुनना है कि परमेश्वर आपसे क्या कह रहा है। मैं नहीं कह रहा हूँ, प्रभु आपसे कह रहा है। क्या कह रहा भाई, फिर से पढ़िए पाशा जी। जो उसने मसीह में किया कि उसको मरे हुए में से जिलाकर, किसको, प्रभु यीशु मसीह को मरे हुए में से जिलाकर स्वर्गीय स्थानों में अपनी दाहिनी ओर, परमेश्वर की दाहिनी ओर, सब प्रकार की प्रधानता, हाँ, अधिकार सब प्रकार की प्रधानता, अधिकार और सामर्थ प्रभुता हर एक नाम के ऊपर जो ना केवल इस लोक में, हाँ, पर आने वाले लोक में भी लिया जाएगा। कहाँ पे, आने वाले लोक में भी लिया जाएगा और बैठा है, और सब कुछ उसके पांव तले कर दिया, और उसे सब वस्तुओं पर शिरोमणि ठहराकर, क्या चीज, सब वस्तुओं पे शिरोमणि ठहराकर कलीसिया को दे दिया। किसको दे दिया, कलीसिया। कौन है कलीसिया, सब कुछ शिरोमणि ठहराकर क्या किया, कलीसिया को दे दिया। अब उस साइड नहीं है, आप पावरफुल नहीं है, आपके अंदर यीशु का आत्मा नहीं है। क्या आप विश्वास करते हैं कि वो जो मूसा के जो चेले थे, जो मूसा का जो अभिषेक, मतलब जो आत्मा आया था, वो लोग वहीं पर ठंडे गया, हम उसमें गए क्या? एक पता है, अगर अमिताभ बच्चन का लड़का खड़ा होगा तो वो क्या नाम है, जैसे उसको क्या बोलते हैं, प्रधान का लड़का जब चलता है तो गाड़ी में कहीं चलता है रोड में, नहीं नहीं मैं प्रधान स्टाइल के साथ चलता है। हम सर्वशक्तिमान परमेश्वर के बेटा बेटी हैं,
एक बार हम मीटिंग में थे, हम लोग इधर पास्टर मीटिंग थी और हम मैं था और राजपाल जी थे, पास्टर राजपाल जी थे, कई खुदा के दास थे और एक व्यक्ति के अंदर दुष्ट आत्मा हावी हो गई वहां पर। उसको लाए, बोले कि पास्टर जी इसके लिए दुआ करो। भाई सब सीनियर थे, मैं उधर भाई सबसे छोटा था, मैं खड़ा था। पास्टर जी लोग दुआ किए, यीशु मसीह के नाम में आशीषित हो जाओ, वो कर रहा है और सब पास्टर लोग छोड़ के बैठ गए। आप भी थे शायद, पास्टर जी भी थे शायद। उसको छोड़कर चले गए सब पास्टर वहां पर। जैसे शेर को गुस्सा आता ना, मुझे गुस्सा है, मैं पवित्र आत्मा से भरा, मैंने कहा ये कैसे इसके अंदर दुष्ट आत्मा रह सकती है। Yes. मैंने रहने दूंगा इसके अंदर, दुआ करने लगा, उसके अंदर से निकल गई वो। हम साधारण नहीं है। परमेश्वर ने कहा शैतान की हर एक सामर्थ के ऊपर हमें अधिकार दिया गया और खुदा कह रहा है कलेशिया को स्वर्णमणि करके क्या कर दिया, सौंप दिया। क्या कर दिया पास्टर जी? किसको सौंपा गया है? आपको सौंपा गया है, आपके अंदर है। आप विश्वास करो, वो आपके अंदर है। मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं खुदा के उस बड़े बड़े अद्भुत कामों को, उसके सामर्थ को, उसके अभिषेक को मैं देखता हूं खुदा के जीवन, मतलब खुदा के दासों के अंदर। पर वो चीजों को वो क्या करते हैं, वो ग्रहण करते हैं कि मैं खुदा का वो अभिषेक लेकर मैं चल रहा हूं, खुदा ने जो मेरे लिए दिया है मैं उसको लेकर चल रहा हूं। प्रभु यीशु मसीह ने इस बात को घोषित कर दिया, इस बात को उसने बोल दिया कि जो मैंने किया है तुम मुझसे बड़े बड़े काम करोगे। उसने वो स्वयं कह रहा है मैं पिता के पास जाता हूं, तुम्हारे लिए क्या करूंगा, विनती करूंगा, तुम्हारे को क्या देगा, एक सहायक देगा, एक सामर्थ देगा, एक सहायक देगा। और वो सामर्थ जो होगा, जो सहायक आएगा वो साधारण नहीं होगा, वो क्या होगा, वो साधारण नहीं होगा, वो क्या होगा, असाधारण होगा, वो असीमित होगा, उसको आप सीमित नहीं कर सकते। जब 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 आप उसको, मतलब की सीमाओं को आप बढ़ाएंगे तब तब आपके अंदर काम करना शुरू करें। आमीन। मैं आपको बताऊं कई बार मैं, आप मेरी वीडियो देख सकते हैं यूट्यूब पे। मैं चर्च में एक दिन मैं प्रार्थना कर रहा, मैंने कहा प्रभु आज मैं मंच पे जब जाऊंगा आप वहां पर सेवा करेंगे, मैं वहां पर बैठूंगा। फिर मैंने कहा प्रभु मैं आपको आज्ञा दे रहा हूं, प्रभु मैं आपको लेकर चलूंगा, मैं आपको लेकर चलूंगा, मैं आपका वाहन हूं, मैं आपका मंदिर हूं। मैंने लोगों को बताया देखो मैं परमेश्वर का मंदिर हूं, मैं उसका वाहन हूं, जितने लोग आना चाहते आ जाओ मंच पे, सभी लोग। और मैंने कहा विश्वास करो, जो आत्मा मेरे अंदर वो आपका आत्मा आपके अंदर भी है, जो मुझे चुना वो आपको भी चुना है। आप वीडियो में देखेंगे मैंने जितने लोगों को बना के आकर मुझे छोड़, जितने लोग छोड़े थे सब को पवित्र आत्मा छू रहा था, सब नीचे बड़ा बड़ के लोग, सब के सब। एक दिन मैं बैंगी हिंजी का वीडियो देख रहा था, मैंने कहा वो आग बंद के बोले 1 2 3 5 सब गिर गए। मैंने कहा प्रभु वो विश्वास करते हैं उनके ऊपर अभिषेक है, वो अभिषेक मेरे ऊपर भी है, मेरे जीवन से भी ये काम होना चाहिए। मैं विश्वास करता हूं कि खुदा ने तूने मुझे चुना है और मैं विश्वास के साथ खड़ा हुआ। मैंने कहा आप विश्वास करो खुदा आपको छूने जा रहा है, जो आत्मा परमेश्वर मुझे दिया वो आपके अंदर, मैं उसको क्या करूंगा, ट्रांसफर करूंगा। आप देखना वहीं पर जैसे ही मैंने बोला सबको सबके ऊपर पवित्र आत्मा उतर गया, सब पवित्र आत्मा से भर गया। हालेलुया। मैं ये चीज को बताना चाहता हूं कि जो मूसा के द्वारा परमेश्वर ने मूसा के अंदर से जो आत्मा लिया था काम करने के लिए, आपको मैं इसको क्यों बार बार बोल रहा हूं, आपको मैं ये बताना चाहता हूं कि ये आखिरी है, जो सब कुछ अपना कीमत चुकाकर सब कुछ आज हमारे और आपके ऊपर दे दिया और हमको ये जिम्मेदारी देता कि तुम पिता से विनती करो। क्या मजदूर, वो कौन सी मजदूरी के लिए, क्या किस काम के लिए, खुदा के जो खुदा यीशु मसीह थे यहाँ पर सुसमाचार बता रहे थे, पर सुसमाचार के साथ साथ प्रभु यीशु मसीह और भी कुछ कर रहे थे। परमेश्वर का उस सामर्थ को, उस पावर को, उस अभिषेक को लोगों को प्रकट कर रहे थे, दिखा रहे थे मैं खुदा को। लोग कह रहे थे यीशु मसीह शुद्ध, मतलब खुद इस बात को बोल रहे थे अगर मुझ पर न विश्वास करो तो मेरे कामों के ऊपर क्या करो, विश्वास करो। वो चीजें यीशु मसीह ने स्वयं अपना, जो यीशु मसीह का अभिषेक था वो अभिषेक हमारे आपके अंदर है। आमीन। मैं इसको बार बार आपको क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि जिस समय आप स्वीकार करेंगे, जिस समय आप ग्रहण, कुछ लोग बोलते हैं मेरी बुलाहट क्या है,
मेरी सेवकाई क्या है? आप स्वीकार करो जो चीज, आप ठान लो ये चीज, परमेश्वर आपके जीवन में करने जा रहा है, वो आपके जीवन में होने जा रहा है। आमीन। मैं देखता था कि जब 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 मूसा के जीवन में कोई समस्या होती, कोई भी चीजें, वो परमेश्वर के सामने जाता था, परमेश्वर के सामने रोता था, परमेश्वर के सामने गिड़गिड़ाता था, परमेश्वर उसको बताता था कि जा ये काम कर ले। खुदा ने उसको अभिषेक दिया है, सामर्थ्य दिया, वो काम वो स्वयं कर सकता था, पर वो बार बार उसके पास जा रहा था। आज ऐसे हम आप हैं, आज हमारे पास सब कुछ है, हम क्या करते हैं उसको अपने जीवन से उपयोग, मतलब उसको उपयोग नहीं करते, इस्तेमाल नहीं करते। मैं अपने चर्च में हमेशा इस बात को बोलता हूँ कि सबसे पहले अगर कोई आपका बच्चा है या कोई आपका कोई भी चीज है, आप अपना हाथ को अभिषेक के साथ दुआ करो, आप परमेश्वर को, क्योंकि कलेशिया का मतलब है पूरे कलेशिया को वो प्रधानता दी गई है, सुरमणि बनाया गया, अभिषेक को समर्थ दिया गया है। आप निर्बल नहीं है, आप कमजोर नहीं है, आप सर्वशक्तिमान उस यीशु जो आपके लिए कीमत चुका है, जो दाम दिया है, उसने वो अभिषेक को समर्थ दिया। जिस पर जिस घड़ी यीशु मसीह पर विश्वास करते कि खुदावन तेरे सिवा कोई भी परमेश्वर नहीं है, आपके पास वो सारी चीजें परमेश्वर ऑलरेडी आपके अंदर देता है। आमीन। हालेलुया।